dear students of 5th grade, today I'll discuss about the 16th chapter. Name of the chapter of our resources, ठीक है, ये हमारा SST का बुक है, उसके उसमें हम जो है our resources के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. The things we use to fulfill our needs are called resources. ठीक है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, those are called the resources. Nature has provided us with different resources. Nature, जो कुदरत ने हमें बहुत सारी different types of resources दिए हैं, जैसे air, water, sunlight, minerals, forest and wildlife, that are useful to us in many ways. These gifts of nature are called natural resources. ये जो gift हैं कुदरत ने हमें दिए हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? Natural resources. Types of natural resources. Natural resources कौन कौन सी types के हैं? Natural resources are classified into two categories, renewable and non-renewable. So, renewable resources, natural resources which exist in abundance in nature are renewable resources. These resources can be generated over and again, so they are also called as inexhaustible resources. Example include wind, water and sunlight. Non-renewable resources, natural resources which are not found in abundance in nature are non-renewable resources. These resources cannot be replenished once finished. एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा उनको produce नहीं किया जा सकता. Hence they are known as exhaustible resources. Example include fuel like coal, petroleum, natural gas and metal like iron, copper, aluminium, gold etc. ठीक है, सो रेन्यूबल रिसोर्सेज कौन से हैं? फर्स्ट एयर. एयर लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू सर्वाइव. एयर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स. इट इज़ नोन एज विंड एनर्जी और विंड पावर. लार्ज एरिया ओवर विच विंड मिल्स आर सेटअप आर कॉल्ड विंड फार्म्स. अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव पोल्यूटेड द प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. An efficient public transport system is necessary to prevent air pollution. Vehicles should be checked regularly for pollution levels. Factories and industrial areas need to be located far away from the residential areas. Emission of harmful gases from factories and vehicles need to be controlled. Next is water. Water is one of the most important natural resources on the earth. इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग. ठीक है, जो वाटर है उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम के लिए वो यूज़ किया जाता है. वाटर इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कोल्ड हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. पानी से जो है वो बिजली भी पैदा की जाती है, जिसको कि हम हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. टूडे मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन्स. आज जो है हमारी जो सोसाइटी है वो फेस कर रही है कि पानी की शॉर्टेज को, बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज जो आ रही है. वन मेजर फैक्टर इज़ वाटर पोल्यूशन. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट क्लीन वाटर सूटेबल फॉर कंजप्शन इज़ अवेलेबल टू अस. ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट वाटर लाइक थ्रोइंग वेस्ट इन टू रिवर, जो नदियों में जो है वेस्ट को फेंकते हैं, एंड अदर वेस्ट बॉडीज एंड एमिशंस ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज नीड टू बी कंट्रोल्ड. फैक्ट्रीज की जो वेस्ट है वो भी पानी में डाली जाती है, तो इन सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, सो दैट जो वाटर है वो पोल्यूट ना हो. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. फॉरेस्ट एड टू द ग्रीन कवर ऑफ आवर प्लैनेट. दे ब्रीद आउट ऑक्सीजन विद इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. दे प्योरीफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. जो ग्रीन हमारी जितनी भी वेजिटेशंस है, जो पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन जो ब्रीद करते हैं, ब्रीद आउट ऑक्सीजन करते हैं और इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड फ्लड्स. वो जो फ्लड्स को भी रोकते हैं और तबाही को भी कंट्रोल करते हैं. Forests encourage rainfall. They provide us with many forest good like timber, medicinal plants and fodder and form of abode of wild animals. Biomass energy or bioenergy is derived from the organic materials that comes from plants and animals, for example cow dung. बायोमास इज़ यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग स्पेशली इन रूरल एरियाज़. आपने देखा होगा घरों में जो चूल्हे जलाते हैं ना लोग, लकड़ी और गोहे के जो पाथियाँ होती हैं उनसे, ठीक है. सो दीज आर द यूज ऑफ बायोमास. एफरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्रीज शुड बी वाइडली प्रमोटेड. फॉरेस्ट फायर टू शुड बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. सेफ हैबिटेट सच एज वाइल्ड
life sanctuaries and national parks should be built for animals and birds all over our country where they are kept safe from poachers. आगे है soil. Soil is the uppermost layer of the earth, जिसको crust भी बोलते हैं, जहाँ पे plants और tree उगते हैं. Our country is specially gifted with diverse soil types. This is the reason why India can grow all kinds of crops and had become one of the leading agriculture country of the world. ठीक है, इंडिया जो है हमारा agriculture countries में जो है world में famous है. The excessive use of a chemical fertilizer and pesticides had degraded the soil. जो बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग में, तो दोज आर स्पॉइलिंग आर सॉइल. फार्मर्स शुड यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग एंड कंपोस्ट. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल गेट ब्लोन और वॉश्ड अवे बाय विंड और रेन, नोन एज द सॉइल इरोजन. टू वेरी इंपॉर्टेंट वेज इन विच सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड आर रेफोरेस्टेशन एंड टेरेस फार्मिंग. एफोरेस्टेशन और प्लांटिंग ट्रीज हेल्प बिकॉज ऑफ रूट ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड इन द सॉइल टुगेदर. नेक्स्ट इज द सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज एनर्जी दैट कम फ्रॉम द सन. ठीक है, सोलर मीन्स सन से रिलेटेड. इट इज हार्नेस्ड यूजिंग सोलर पैनल. इट इज यूज इन अप्लायंस लाइक हीटर एंड कुकर्स. नेक्स्ट इज हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल यूज फॉर जनरेटिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, कोले से जो भी है वो लाइट बनती है. रनिंग स्टीम्स इंजन एंड मशीन इन फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज में मशीन चलाने के लिए भी यूज़ होता है कोला, और जो आपने देखा होगा इंजन को चलाने के लिए भी. पेट्रोलियम इज मेनली यूज टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड अदर प्रोडक्ट्स. पेट्रोल एंड डीजल आर यूज एज अ फ्यूल टू रन व्हीकल्स ऑन लैंड, एयर एंड वाटर. Kerosene and liquefied petroleum gas are used in cooking. These are the fuel used in kitchen. Next है हमारा natural gas is used as a source of energy for heating, cooking and electricity generation in India. Compressed natural gas is primarily used as an alternative fuel for the transportation. So this is a chapter about the natural resources. So I think you understand about this chapter. Thank you.